हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5। यहाँ पे बच्चों हम ये एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 5 से, कंपेयर द गिवन नंबर्स एंड राइट द एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन इन प्लेस होल्डर्स। यहाँ जब ये साइन आप देख रहे हैं, इट मीन्स ये जो साइन आपका होता है, जिधर ये खुला हुआ मुंह होता है उधर का नंबर बड़ा होता है और जिधर बंद होता है उधर जो है छोटा नंबर। इक्वल मीन्स दोनों तरफ बराबर, और इस तरीके से अर्थात इधर जिधर ये आपका जिधर भी आपका जो है खुला हुआ मुंह होगा उस तरफ का नंबर बड़ा। अब हम लोग कंपेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप ये जानते हैं कि 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर दो नंबर्स जो है हम कंपेयर कर रहे हैं तो पहले उसके डिजिट को हम काउंट करते हैं। डिजिट को हम अगर काउंट कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर दोनों के डिजिट में डिफरेंस होगा, मींस एक में ज़्यादा एक में कम होगा या एक से ज़्यादा कम होगा, तो जिधर ज़्यादा ही डिजिट होंगे वो नंबर बड़ा होता है, हम उस तरफ ऐसे जो है साइन हम लगा लेंगे। इट मींस ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और आपके इसी एक्सरसाइज से देखेंगे। ये एक्सरसाइज आपका 25 पेज नंबर 30 पर हम जो ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, हम इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि दोनों डिजिट्स बराबर हों, फिर उसके कंपेयर करने की। जैसे बी अगर आप देखें, बी में आप ये देख रहे हैं कि 92009 प्लेस होल्डर आपने बनाया यहाँ, फिर ये है 92090। अब आप ये देखिए, यहाँ काउंट करिए डिजिट, तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, दोनों में डिजिट बराबर है। अब इसमें कम या ज़्यादा तो है नहीं, तो अब इसे हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर हम जो है प्लेस होल्डर्स डिजिट्स का जो बना लेते हैं, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक, जितने भी आपके नंबर्स हो, जैसे एक आपके जितने भी डिजिट्स हों, 1 2 3 4 5 हैं, तो हमने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ हम इसको जो है इसके नीचे हम क्या करते हैं, इसे प्लेस करते हैं। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ हो गया 9, ये 0 0 2 9, इसी तरीके से 0 9 0 2 9। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखने की कोशिश करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी 9, इट मीन्स यहाँ तक तो आपका इक्वल है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये भी आपका इक्वल है, यहाँ भी 0, ये भी आपका इक्वल है, लेकिन यहाँ 0 और यहाँ 9 है। तो हम ये देख रहे हैं कि टेंस पोजीशन पे ये 0 होगा और ये 9 है। ये चूंकि डिजिट आपका क्या है, बड़ा हो गया, इसलिए ये नंबर्स क्या होगा आपका, इसके कंपैरिजन में बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं, ये नंबर बड़ा है सेकंड वाला, तो हमने इसके लिए ओपन जो स्पेस है वो इधर लिखा और इस तरीके से हमारा ये नंबर हो गया। ऐसे ही आपको रेस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 पेज नंबर 30 के आपको करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, आपको सभी कर करके ट्राई करना है इसे। रेस्ट अगले एपिसोड में हम आपको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स बताएंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।